वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस सो गाइज इस वीडियो का हमारा एजेंडा क्या है क्या टारगेट है हमारा इस वीडियो का इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि भाई डेटा क्या होता है इन्फॉर्मेशन क्या होता है डेटा के टाइप्स क्या होते हैं जैसे आप लोग को सबको पता है कि हमारा क्लास इलेवेंथ का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी का सबसे पहले चैप्टर चल रहा है दैट इज कंप्यूटर सिस्टम्स जिसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स की बात कर चुके हैं जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट uh, जो पूरा एलिमेंट है दैट इज हार्डवेयर कैटेगरी उसके बारे में हम सब बात कर चुके हैं जैसे हमने सीपीयू देखा मेमरी देखा और माइक्रो प्रसर माइक्रो कंट्रोल सब कुछ देख चुके, चुके, चुके. हैं पूरी प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है क्लास 11th, की. अगर आप सारी वीडियो देखते हुए आ रहे में आ रहे तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी सब चीजें रिलेट कर पाओगे क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें कुछ लिंक डालूंगा प्रीवियस वीडियो का जिसको आप रिलेट कर पाओगे ठीक है तो अगर आप प्रीवियस वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो वो चीजें आपको समझ में रिलेट कर पाओगे ठीक है तो एक बार वो बारिस्ट एक्सेस करिए सारी से से देखते देखते हुए हुए आइए ठीक है चीजें रहेंगी अगर आप मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कंप्यूटर क्या होता है क्या करता है डेटा को लेता है इनपुट के फॉर्म में प्रोसेस करता है और कुछ आउटपुट देता है अब वो जो वो जो लेता है कंप्यूटर उस डेटा के बारे में बात करनी है ठीक है अच्छा एक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है डेटा इंफॉर्मेशन और कुछ और वर्ड्स जैसे कि नॉलेज विजडम किन में डिफरेंस क्या होता है तो इसका मतलब भी इसका डिफरेंस भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी ठीक है एक स्टोरी की मदद से मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि क्या डिफरेंस होता है डेटा में इंफॉर्मेशन में नॉलेज में विजडम में ठीक है तो आपको क्लियर आइडिया पड़ जाएगा कि भाई क्या डिफरेंस है इनमें फिर आपको टाइप्स पता चलेंगे कि कितने टाइप्स के आपके पास डेटा होते हैं अगेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल हम समझेंगे कि क्या क्या एक मतलब क्या डिफरेंस होता है उन टाइप्स में भी ठीक है तो फटाफट -फ़ड़ शुरू करते हैं सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई डेटा क्या होता है ठीक है उससे पहले हमें यह तो पता ही है कि कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर एक प्रोसेसिंग मशीन है सो so, कंप्यूटर का प्राय रोल क्या है सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्राइमरी रोल क्या है सो कंप्यूटर इज प्राइमरीली फॉर प्रोसेसिंग डेटा कंप्यूटर किस लिए है डेटा को प्रोसेस करने के लिए है. तो देखो प्रोसेसिंग चल रही है राइट right. अब किसको प्रोसेस करेगा भाई ये किसको प्रोसेस करेगा करेगा तो डेटा को ना सो अ कंप्यूटर सिस्टम एवरीथिंग एज डेटा क्या क्या बी इट इंस्ट्रक्शन पिक्चर्स सॉन्ग्स वीडियो डॉक्यूमेंट्स अब किसी भी चीज को इस कंप्यूटर को दे लोगे वो उस चीज को डेटा समझेगा प्रोसेस करेगा और डेफिनेटली कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा ठीक है सो so, ये बहुत अच्छी बात है कि कंप्यूटर जो है हर फॉर्म को डेटा समझता है उसको प्रोसेस करता है कुछ मीनिंग डराइव करने की कोशिश करता है उससे और उसको आउटपुट करता है ठीक है और यूजुअली डेटा क्या होता है ठीक है किस फॉर्म में लेता है सिस्टम सो डेटा आर रॉ एंड सॉरी डेटा आर रॉ एंड अन फैक्ट्स दैट आर प्रोसेस टू गेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन सो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो कंप्यूटर है भाई आपका ये जो कंप्यूटर है आपका ठीक है ये इनपुट लेगा ठीक है ये इनपुट लेगा किस चीज को इनपुट लेगा डेफिनेटली डेटा को लेगा और ये डेटा किस फॉर्म में होता है ये डेटा रॉ फॉर्म में होता है सो रॉ डेटा ही लेगा इनपुट ठीक है अब ये इनपुट ले लिया इस कंप्यूटर ने इस डेटा को यहां पे क्या होगा उसकी प्रोसेसिंग होगी प्रोसेसिंग होगी उस डेटा की ठीक है और ये डेटा लेने के बाद प्रोसेस करने के बाद ये हो क्या करेगा ये आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा ठीक है तो ये आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दे देगा ठीक है तो ये आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है इसको हम क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन कहते हैं ठीक है आई एंड आई नो कि आपको अभी फिलहाल क्लियर कट आइडिया नहीं समझ में आया होगा डिफरेंस समझ में नहीं आया होगा कि भाई इनपुट और सॉरी डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है ठीक है तो इस इंफॉर्मेशन में आपको मैं डिफरेंस समझाऊंगा एन एग्जांपल फिलहाल आपको ये बात तो हो गई हो कि एक है, हमने इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया है कि किस किस तरीके से ये कंप्यूटर ये इनपुट ले सकता है इनपुट डिवाइस के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें क्या क्या सोर्सेस हमारे पास इनपुट लेने के वो मैंने आपको कवर करे हैं वो सब चीजें दिखाई तो उन सब चीजों से उन सब डिवाइसेस की मदद से इनपुट डिवाइसेस की मदद से इनपुट लिया गया जो रॉ फॉर्म में होगा रॉ डेटा डिस्कशन किया हमने वो प्रोसेसिंग होगी और क्या होगा कुछ आउटपुट प्रोड्यूस होगा तो हमें वो आउटपुट यहां आउटपुट डिवाइसेस के फॉर्म में देखने को मिलेगा जिसको हम इंफॉर्मेशन कह रहे हैं अब आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर डिटेल में डिस्कशन

ठीक है न... <laughs> बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है ठीक है डेफिनेटली आपको बहुत इजी सी लगेगी बहुत आसान सी स्टोरी है पर इससे चीजें समझने की कोशिश करिएगा डिफरेंस समझने की कोशिश करिएगा डेटा में इंफॉर्मेशन में नॉलेज में और विजडम में इन चार चीजों को हम कवर करने वाले स्टोरी की मदद मतलब से ठीक है चलिए देखते हैं तो यार ये क्या है ये क्राइम सीन है ठीक है यहां पर इस बंदे का मर्डर हो गया है ठीक है तो ये क्राइम सीन है यहां पे पुलिस वाले पहुंचे ठीक है इस क्राइम सीन को इंस्पेक्ट किया और इस क्राइम सीन के पास इनको एक लेटर मिला जो एक्चुअली में इस बंदे के हाथ में ही था ठीक है वो ग्राफ करके बैठा हुआ था आ, बहुत अच्छी तरीके से ठीक है उससे बड़ी मुश्किल से इस बंदे ने इस ऑफिसर ने क्या किया ये लेटर छोड़ाया और इस लेटर ये लेटर मिल गया इनको क्राइम सीन पे ठीक है अब इस लेटर को हमने क्या किया इस लेटर को पहुंचा दिया भाई इन डिटेक्टिव के पास ठीक है ये हमारे डिटेक्टिव है ये हमारे शेलॉक होम्स हैं ठीक है इनको हमने वो लेटर पहुंचा दिया ठीक है अब इन्होंने उस डेटा को सही डेटा गलत बोल दिया मैंने उस लेटर को इंस्पेक्ट किया उस लेटर को देखा कि क्या है उसके अंदर ठीक है लेटर को देखा तो उसमें एक नंबर लिखा हुआ है ठीक है उन्होंने इस लेटर को रीड किया तो लेटर के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है ठीक है दैट इज सिक्स टू सिक्स वन सिक्स सेवन एट थ्री सिक्स टू ठीक है ये एक नंबर लिखा और इस नंबर को मिलाइएगा मत ठीक है ना इस नंबर के साथ कुछ गड़बड़ मत करिएगा ठीक है तो ये नंबर लिखा हुआ है अब ये नंबर का मैंने काफी आइडिया तो ही दे दिया अब ये नंबर क्या है कुछ नहीं पता यार क्या है ये नंबर क्या चीज है ये ठीक है कोई आइडिया नहीं है ठीक है सो एक्चुअली में जब इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट कुछ भी चीज का कलेक्शन ऐसे रैंडमली मिलता है रॉ फॉर्म में तो इस चीज को हम क्या कहते हैं भाई इस चीज को हम कहते हैं डेटा hmm. ठीक है डे कुछ वर्ड इसको कुछ लोग इसको डाटा भी बोलते हैं कुछ लोग डेटा बोलते हैं तो एक्चुअली जो प्रेनाशिएशन है वो डिफरेंस ये जो प्रेनाउंसिएशन का डिफरेंस है ये एक्सेंट का डिफरेंस है ठीक है अमेरिकन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट का डिफरेंस है ठीक है आपका जो मर्जी आप बोलो डेटा बोलो डाटा बोलो जो मर्जी बोलो ठीक है नॉट अ प्रॉब्लम सो ये क्या है मैं डेटा बोलता हूं तो ये क्या है ये डेटा है रॉ फॉर्म में ठीक है अब हमने क्या किया भाई अब इन डिटेक्टिव साहब ने कहा यार ये नंबर क्या समझ में नहीं आ रहा क्या चीज है भाई ये नंबर ठीक है बड़े परेशान की क्या करें इस नंबर का समझ में नहीं आ रहा क्या है ये नंबर बहुत सारी रिलेशन बैठाए बहुत सारी चीजें लगाई इधर उधर के पैटर्न वगैरह लगाए कुछ नहीं मिला ठीक है फिर इन्होंने क्या किया इस नंबर को इस नंबर को इन्होंने क्या किया इस कंप्यूटर मशीन को दे दिया और इस कंप्यूटर मशीन ने हमें बता दिया कि भाई ये जो नंबर है ना ये क्या है ये एक फोन नंबर है

फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन डिजिट्स है ये आपका जो डिटेक्टिव है वो भी इस चीज को नोटिस कर सकता था बट उसने नोटिस नहीं किया चलो सपोज ठीक है सो ये एक रैंडम रॉ नंबर कलेक्शन है जिसको हम क्या कह रहे हैं डेटा अब इस डेटा को इस डेटा को जब हमने इस कंप्यूटर मशीन को दिया तो इस कंप्यूटर मशीन ने क्या किया इस कंप्यूटर मशीन ने प्रोसेसिंग करी अब प्रोसेसिंग में क्या करा भाई तो इसके पास कुछ डेटाबेस था उस डेटाबेस के साथ इसने इस नंबर को मैच करने की कोशिश करी ठीक है मैच करके देखते हैं कि भाई ये नंबर क्या है किसी से मैच करता है कि नहीं करता तो ये लॉजिक ऑपरेशन हो गया राइट लॉजिक ऑपरेशन जो आपका सीपीयू करता है ठीक है तो एलयू देखा था हमने अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स तो लॉजिकल पार्ट मतलब मैचिंग का पार्ट ठीक है वो इस सीपीयू ने या फिर इस कंप्यूटर मशीन ने करके देखा दिया कि क्या ये नंबर किसी भी चीज से मैच कर रहा है किसी भी सॉरी नोन चीज से मैच कर रहा है है बिकॉज अभी अभी तो है. अभी तो अननोन रैंडम कलेक्शन है डिजिट्स का कुछ मतलब नहीं है कुछ मीनिंग uh, सेंस नहीं करते इससे ठीक है इस तो जब हमने इसको मैचिंग करा लिया इस कंप्यूटर ने इसने मैच कर लिया तो इसने पाया कि ये जो ये जो नंबर है ये कोई भाई ऐसे ही रैंडम कलेक्शन नहीं है ये दस डिजिट्स है और ये एक फोन नंबर है तो ये जो फोन नंबर है ये जो हमने पता किया इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन ठीक है इस अभी तो ये क्या था ये तो अभी फालतू से थे किसी काम के नहीं थे डेफिनेटली क्राइम सीन में मिले तो काम के तो हैं पर फिलहाल कुछ सेंस नहीं मिल रहा मतलब इससे कुछ हम आउटपुट नहीं निकाल पा रहे तो फिलहाल ये अभी बेकार थे जब इस रॉ डेटा को मैंने कंप्यूटर मशीन में डाला प्रोसेसिंग हुई मतलब मैचिंग मैचिंग हुई ठीक है तब हमने पाया कि जो नंबर है जो कोई रैंडम नंबर नंबर नहीं है ये है ये फोन तो इस तरीके से हमने एक रैंडम डेटा से कुछ इंफॉर्मेशन डिराइव करी कुछ मीनिंग डिराइव किया कुछ सेंस डिराइव किया तो उस चीज को हम क्या कहते हैं उस चीज को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन ठीक है तो इस तरीके से किसी भी रॉ डेटा से सेंस जनरेट करना मीनिंग जनरेट करने को ही हम क्या कहते हैं

इन्फॉर्मेशन से कि ये जो है ये जो डिजिट्स का कलेक्शन है ये फोन नंबर है ठीक है अब इससे भी कुछ और चीजें डिराइव करना किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में उसके बारे में कुछ और फैक्ट्स जनरेट करना ढूंढना इस चीज को हम कहते हैं नॉलेज ठीक है नॉलेज गेन करना ठीक है तो एक्चुअली में ये नंबर है फोन नंबर है दस डिजिट्स है रैंडम नंबर नहीं है फोन नंबर है

एक इंसान का फोन नंबर है जिसने पहले भी बहुत क्राइम्स कर रखे हैं बहुत रॉबरी कर रखी है मर्डर्स कर रखे हैं ठीक है डेफिनेटली जेल भी जा चुका है अब जेल से बाहर होके आके फिर से वही काम कर रहा है ठीक है तो ये कोई रैंडम नहीं है ये एक पर्टिकुलर बंदे का है जो पहले ही इन क्राइम्स में इन्वॉल्व था ठीक है सो अब इस इन, इस बंदे के बारे में उसे बहुत सारी चीजें पता चल गई सिर्फ फोन नंबर की मदद से बल्कि फोन नंबर की मदद से नहीं सिर्फ कुछ डिजिट्स की मदद से ठीक है कुछ डिजिट्स की मदद से हमें पता चल गया कि एक फोन नंबर है फोन नंबर से हमें पता चल गया कि एक पर्टिकुलर इंसान का फोन नंबर है जो क्या था जो पहले से ही क्राइम्स करते आ रहा है रॉबरी करते आ रहा है मर्डर्स करते आ रहा है बहुत चीजें करते आ रहा है ठीक है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं या ये जो हमें ये जो चीज मिली ये जो डिराइव हुआ इस चीज को हम क्या कहते हैं इस चीज को हम कहते हैं है भाई नॉलेज ठीक है इस चीज को हम कहते हैं नॉलेज मतलब हमने क्या कर लिया हमने एक पर्टिकुलर इंसान पर्टिकुलर थिंग मतलब किसी भी चीज के बारे में डिटेल में फैक्ट्स इकट्ठा करना कलेक्ट करना नोन नोन एज एज इज योर नॉलेज ठीक है अब इस नॉलेज का हम यूज करेंगे फॉर समथिंग मतलब अब इस चोर को पकड़ना भी है भाई ढूंढना भी है कहां है अब ये थोड़ी पता है कहां है फोन नंबर बाई चांस मिल गया हमें ठीक है बट अब ये चोर है कहां कहा रहता है कहा फिलहाल मिलेगा ये सब नहीं पता कुछ भी ठीक है पकड़े कैसे इसको तो यार पुराने अपने experiences का यूज करना थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना दौरा, चीजों को रिलेट करना और ये ढूंढना और नॉलेज का यूज करना एक पर्टिकुलर आउटपुट को लाने के लिए ठीक है उसको हम कहते हैं विश्रम तो अब हमने क्या किया भैया हमने नहीं मतलब इस डिटेक्टिव साहब ने क्या किया इन डिटेक्टिव साहब ने इस फोन नंबर को यूज करके ठीक है फोन नंबर को यूज करके उस फोन का आई एम ई आई नंबर निकाल लिया ठीक है और उस नंबर की मदद से ट्रैक कर लिया कि भाई ये बंदा रहता कहां है ये फिलहाल कहां मिल जाएगा ठीक है तो वो ट्रैकिंग का काम भी हो गया ठीक है तो आप लोगों को पता होगा कि इंडिविजुअल किसी भी फोन या डिवाइस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग इट्स आई एम ई आई नंबर राइट सो उस नंबर की मदद से इस Uh, इस बंदे को ट्रैक कर लिया गया ठीक है इस प्रोसेस को या फिर इस ट्रैकिंग को इस चीज को हम कहते हैं ठीक है मतलब एक्सपीरियंस को यूज करना अपने इंटेलिजेंस को यूज करना और नॉलेज को यूज करना टू प्रोड्यूस सम यूजफुल आउटपुट इसको कहते हैं भाई विजडम ठीक है आई होप ये तीनों ही चीज आपको क्लियर हो गई होंगी ठीक है तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी समझ में आ गया होगा कि वॉट इज योर ट्रैकिंग वाला पार्ट ठीक है so सो आई होप आपको डेटा क्या होता है इंफॉर्मेशन क्या होता है नॉलेज क्या होता है और विजडम क्या होता है इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आया होगा तो सबसे पहले जो हमने रॉ मतलब उस पेपर पे उस डिटेक्टिव को जो नंबर लिखा हुआ मिला था वो क्या था वो डेटा था रॉ फॉर्म में था डिजिट्स का कलेक्शन था बस उसके बाद जब उसको कंप्यूटर में डाला गया और प्रोसेस करके यह पाया गया कि वो एक फोन नंबर है तो वो क्या मिला हमें एक 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 मीनिंग मिला तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन फिर उसके बाद उस पर और रिसर्च वगैरह करी गई उससे हमने एक किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन के बारे में चीजें निकाली है ना फैक्ट्स वगैरह निकाले तो उस चीज को हम क्या कहते हैं उस चीज को हम कहते हैं नॉलेज और उस नॉलेज को यूज करके अपने एक्सपीरियंस को यूज करके हमने एक फ्रूटफुल आउटपुट निकाला उसको कहते हैं विस्टम

Observations का और सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन होता है किसी के बारे में भी ये भी हो सकता है तो वो होता है डेटा इंफॉर्मेशन क्या होता है ठीक है और को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड कंटेक्स फॉर डेटा एंड एनेबल्स डिसीजन मेकिंग क्या करता है ये डेटा पे कंटेक्ट प्रोवाइड करता है और एनेबल करता है डिसीजन मेकिंग ठीक ऑन द अदर हैंड नॉलेज क्या होता है नॉलेज इज अ और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजंस एंड जजमेंट्स इज विज अब ये चारों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं मतलब बहुत कंफ्यूजन रहता है बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इन चारों के ऊपर है ना इंटरचेंज करके यूज कर जाते हैं डेटा बोलना चाहते हैं इंफॉर्मेशन बोल देते हैं नॉलेज बोल देते हैं पर आई होप यहां एग्जाम्पल देखने के बाद और ये डेफिनेशन uh, देखने के बाद आपको क्लियर कट आईडिया पड़ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज और विजडम में इन चारों में क्या डिफरेंस है यह आपको समझ में आ गया होगा आई होप दैट ठीक है अब इसके बाद एक इसका पिरामिड भी एग्जिस्ट करता है ठीक है क्या पिरामिड है देखो तो सबसे पहले डेटा था सबसे नीचे क्या होता है सबसे नीचे होता है डेटा डेटा से जो कंटेक्ट हम डेराइव करते दे तो इंफॉर्मेशन मिल जाता है इंफॉर्मेशन से मीनिंग डेराइव कर दे तो नॉलेज मिल जाता है नॉलेज से इनसाइट डेराइव मतलब नॉलेज को इनसाइट से मिला दे तो विजडम मिल जाता है सो डेटा प्लस कंटेक्ट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन प्लस मीनिंग नॉलेज नॉलेज प्लस इनसाइट इज विजडम ठीक है तो इस तरीके से इन चारों में ये डिफरेंस है आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई ठीक है चलो तो ये था यार आपका कुछ आ, चार वर्ड्स जो बहुत कंफ्यूज करते हैं उनमें डिफरेंस आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, चीजें ये क्लियर हो गई होंगी चारों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे

ठीक है और वही जो इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं वही क्या है वही डेटा है इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस और बहुत चीजें ठीक है अब कैसे होता है तो एक्चुअली में इंटरनली इंटरनली जो डेटा रिप्रेजेंट होता है तो इंटरनली एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म जीरो या वन के फॉर्म में तो यार ये हम बहुत बार चीजें डिस्कशन कर चुके हैं

इंटरनली ऐसा होता है कि इंटरनली डेटा इस तरीके से स्टोर होता है बट एक्सटर्नली सो एक्सटर्नली डेटा कैन बी इनपुट इन अ कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ बहुत तरीके से हो सकता है जैसे कि अब आप, आप जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हो वो तो किसी भी तरीके से कर सकते हो ना अब कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर हो रहा है वो तो जीरो चैप्टर में ठीक है इनकोडिंग स्कीम्स के बाद मतलब इनकोडिंग स्कीम्स लॉजिक गेट्स वगैरह जो हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में तब आपको ये समझ में आएगा कि इंटरनली कैसे चीजें स्टोर होती हैं कैसे प्रोसेस होती है वो सब चीज आपको समझ में आएंगी ठीक है इंटरनली क्या होता है बट एक्सटर्नली इंटरनली से बहुत डिफरेंट होता है मतलब अंदर जो हो रहा है अंदर जीरो समझ में है पर एक्सटर्नली बहुत डिफरेंट है एक्सटर्नली आप डेटा कैसे प्रोवाइड कर सकते हो बट एक्सटर्नली डेटा कैन बी इनपुट टू अ कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ बहुत फॉर्म है जैसे कि सबसे पहले तो टेक्स्ट तो so, सबसे पहले तो हम टेक्स्ट फॉर्म में ही इनपुट uh, कर देते हैं टेक्स्ट कंसिस्टिंग ऑफ एल्फाबेट्स जिसमें आपका कैपिटल एल्फाबेट्स भी आ सकते हैं स्मॉल एल्फाबेट्स भी आ सकते हैं कैपिटल ए से कैपिटल जेड आप एल्फाबेट्स के फॉर्म में इनपुट दे सकते हो या स्मॉल ए से स्मॉल जेड के फॉर्म में एल्फाबेट्स के फॉर्म में इनपुट दे सकते हो नहीं तो आप निमरल्स के फॉर्म में इनपुट दे सकते हो जीरो से नाइन निमरल्स होते हैं निमरल्स के फॉर्म में दे सकते हो नहीं तो स्पेशल सिंबल्स के फॉर्म में दे सकते हो जैसे कि आपका एट द रेट हो गया हैश टैग हो गया है ना एक्सेट्रा बहुत सारे सिंबल्स हैं इन फॉर्म में दे सकते हो ठीक है डेटा कुड बी इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल अभी ये तो हमने इंग्लिश की बात करी इंग्लिश में अल्फाबेट्स से हो तो हिंदी में आ, संस्कृत में तेलुगु में कन्नड में ठीक है बहुत फॉर्म्स है फ्रेंच में स्पेनिश में है ना बहुत लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करते हैं जिसमें आप इनपुट दे सकते हो ठीक है डेटा क्या सॉरी डेटा कुड बी रीड फ्रॉम द फाइल्स टू अब जरूरी नहीं ना अब डेटा दो ही डेटा किसी फाइल से भी तो रीड किया जा सकता है तो वो भी हो गया डेटा एक ठीक है तो इस तरीके से डेटा हो सकता है अब अलग अलग सोर्सेज से आप डेटा डिराइव करते हो तो अलग अलग उसके फॉर्म्स भी होते हैं सो द इनपुट डेटा अब ये सब तो ठीक है आपको पता है क्या है अब इनका फॉर्म देखो तो ये तो सपोज हो गया कुछ डेटा मतलब आप नंबर्स या मतलब कुछ रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में आप दे रहे हो उट अदर फॉर्म ठीक है सो द इनपुट डेटा मे बी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑल्सो हैंस इट मे बी इन डिफरेंट फॉर्मेट इज वेल अब अलग अलग फॉर्मेट्स भी मिल सकते जैसे कि इमेज अब इमेज भी तो एक डेटा है उसको कैसे नंबर्स या फिर अल्फाबेट्स या किसी भी फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे ठीक है तो वो सब वैसे हम सीखेंगे इन सबको अब कैसे आप अब बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो वो आप नेक्स्ट चैप्टर में ही सीखोगे ठीक है इस सारे डेटा को अब अल्फाबेट से ए, कैपिटल ए से कैपिटल जेड स्मॉल ए स्मॉल जेड या फिर सोलो नंबर्स तो हो तो ही गए साथ में आपके स्पेशल सिंबल्स हो गए या फिर और बहुत सारी चीजें अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं ठीक है तो उन फॉर्म को बाइनरी फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे सीखो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं चलो ये तो आप फिर भी सीख लो कैसे कन्वर्ट करते हैं वॉट अबाउट इमेजेस इमेजेस को कैसे देखते हैं तो यार एक्चुअली अभी बहुत डिटेल में इस चीज में नहीं जाएंगे बट ब्रीफ बताता हूं कि इमेजेस में एक्चुअली क्या होते हैं पिक्सल्स होते हैं ठीक है अब हर पिक्सेल की क्या होती है लाइट इंटेंसिटी होती है और इस लाइट इंटेंसिटी डेफिनेटली आपको पता है ठीक है आरजीबी इसके मिलके बनता है ठीक है तो आरजीबी के जो भी मतलब इंटेंसिटी है कि क्या-क्या कितना आर कितना जी कितना बी तो पर्टिकुलर कोड दिया जाता है हर पिक्सेल को ठीक है और वो एक्चुअली में नंबर के फॉर्म में स्टोर होता है तो एक्चुअली में इमेजेस पता है क्या है कलेक्शंस ऑफ पिक्सेल्स ओनली तो उसके बारे में कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे अभी तो एक शॉर्ट मैंने आपको बस डिस्क्रिप्शन बनाया बताया एक्चुअली में है जब आप इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ोगे मतलब जब आप कंप्यूटर विजन वाला पार्ट पढ़ोगे ठीक है जो बेसिकली हम कहते हैं एक्चुअली में डीप लर्निंग के अंदर आता है ठीक है डीप लर्निंग के अंदर आता है जिसमें आप इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर बात करते हो तो वहां पे आप इस इमेज के बारे में डिटेल में पढ़ोगे या फिर सपोज आप आ, फोटोग्राफी में जा रहे हो ठीक है फोटोशॉप फोटो एडिटिंग वगैरह सीख रहे हो वीडियो एडिटिंग वगैरह सीख रहे हो तो उसमें आप इस इमेज के कॉन्सेप्ट को डेटा कैसे स्टोर होता है कैसे इमेज को देखा जाता है वो सब डिटेल में देखोगे ठीक है तो वहां इन सब चीजों के बारे में बात करोगे इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट रेड ग्रीन ब्लू पिक्सल्स तो आरजीबी का कलेक्शन ही तो होता है

तो इन सबके बारे में हम सीखेंगे कि कैसे इन डेटा को एक्चुअली में हम स्टोर या प्रोसेस वगैरह करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कंप्यूटर के अंदर कैसे करते हैं ठीक है तो वो हम देखेंगे पर फिलहाल ये समझिए कितने सारे तरीके हमारे पास एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं ठीक है चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास टाइप्स ऑफ डेटा अब डेटा तरीके से हम कर सकते हैं बहुत सारे, आ, तरीके और सेमी डेटा में तीन क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं तीन टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं जो भी आपके सिलेबस में ठीक है अब क्या होता है भाई स्ट्रक्चर्ड क्या होता है अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड वो अभी आपको समझ में आ जाएगा जैसी वीडियो बढ़ेगी आपकी ठीक है तो स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है देखो स्ट्रक्चर डेटा सो डेटा विच फॉलोज अ स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एंड इज ईजी टू कॉम्प्रीहेंड कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा ठीक है तो ऐसा डेटा जो स्ट्रिक्टली एक पर्टिकुलर थीम को एक पर्टिकुलर uh, चीज को फॉलो करता है ठीक है वो पर्टिकुलर चीज कुछ भी हो सकती है सपोज आपने एक टेबल बना दिया उस टेबल में इस तरीके से डेटा एंट्री होगी सपोज यह आपने फिक्स कर दिया स्ट्रिक्टली फिक्स कर दिया कि यही होगा तो वो चीज हम कहते हैं कि वो क्या है स्ट्रक्चर डेटा उसको कॉम्प्रीहेंड करना बहुत आसान है रीड करना स्पेसिफाइड टैब्यूल फॉर्मेट मतलब टेबल का फॉर्मेट होता है और इनको हम डेटा फाइल के फॉर्म में सेव भी कर सकते हैं ताकि हम आगे यूज कर सके इसको सच डेटा इज ऑर्गेनाइज इन रो या कॉलम फॉर्मेट एंड ईजी एंड इज इजीली अंडरस्टैंडेबल अब इस डेटा को हम रो या कॉलम के फॉर्म में स्टोर करते हैं और इसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है प्रॉपरली मेंटेन किया गया है तो इसीलिए इनको समझना बहुत आसान है एक्चुअली यार स्ट्रक्चर्ड डेटा अभी जो आपके में दे रखा है ना वो बहुत कंसाइज दे रखा है आगे जाके आप देखोगे कि सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना नहीं होता है ना इनको रिलेशनल डेटा बेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही स्ट्रक्चर डेटा बनाता है आपका मतलब आपके पास और और कुछ भी ना ना हो 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 के अंदर ठीक ठीक है 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 की प्रॉब्लम ना तो उन सब को solve करते जो डेटा हमें मिलता है, finally उसको हम कहते हैं or अब इसके सबसे बड़ी खासित यह है कि आप इसमें बहुत सारे कर सकते जैसे कि इसमें मैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर परफॉर्म कर सकता हूं

ठीक है नेक्स्ट इज एटीएम ट्रांजेक्शन ए टी में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी जो लिस्ट बनाई जाती है डेटा मेंटेन किया जाता है उसको स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं तो ये सब एग्जाम्पल है भाई स्ट्रक्चर डेटा का अभी एक एग्जाम्पल और देखिए मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली क्या है स्ट्रक्चर डेटा फिलहाल नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अनस्ट्रक्चर पे सो नेक्स्ट आता है भाई अनस्ट्रक्चर डेटा सो डेटा विच आर नॉट ऑर्गेनाइज इन अ प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ठीक है so, ऐसे डेटा जिनको कोई डिफाइंड रिकॉर्ड है ही नहीं कोई मैनर है ही नहीं कुछ भी डिफाइंड नहीं है कि इसको इस तरीके से स्टोर करना है उन टाइप के डेटा को हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दीज डू नॉट फॉलो अ स्पेसिफिक फॉर्मेट इन पे कोई फॉर्मेट ही नहीं होता कि आपको इसी फॉर्मेट में स्टोर करना ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा अब ये बहुत सारे ऑडियो फाइल्स वीडियो फाइल्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी आ जाते हैं जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो गए सोशल मीडिया पोस्ट हो गए सैटेलाइट इमेजेस हो गए एक्सेट्रा ये सब क्या है, ये सब है किसके अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ठीक है तो ये सब आपके क्या है ठीक है ठेके? अब सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या है सेमी स्ट्रक्चर डेटा होता है डेटा विच हैव नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बट मेंटेन्स इंटरनल टैक्स ठीक है अब इनके पास भी कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की तरह इनके पास भी कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है पर ये कुछ टैग्स वगैरह यूज करते हैं बिल्कुल रैंडमली चीजें नहीं हो रही है। ये कुछ टैग्स वगैरह यूज करते हैं उन टैग्स की वजह से ये ये क्या होते हैं हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड बन जाते हैं। और मार्किंग्स टू सेपरेट डेटा एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा और अलग अलग डेटा में जो एलिमेंट्स है उनको सेपरेट करने के लिए कुछ मार्किंग्स यूज कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि ई मेल डॉक्यूमेंट्स ठीक है एच डी एम एल पेज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सी एसवी फाइल जो हो गई तो ये सब किसके हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के एक्साम्पल अब मैं आपको

आपने देखा कि एक पर्टिकुलर बच्चे एक पर्टिकुलर रोल नंबर का एक उस पे उस डेफिनेटली जो रोल नंबर असाइन किसी बच्चे को किया गया है तो उसका नाम क्या है किस मंथ की अटेंडेंस ले लो अटेंडेंस लिखती इस पूरी तरीके से आपने डाटा फिल किया फिर ऐसे सेकंड उस पे आ गए सेकंड टू पे आ गए रोल नंबर 2 पे सोहन है मई की अटेंडेंस है 75 इसकी अब ये पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होना ठीक है अब आप कह सकते हो कि भाई सिर्फ मे का डेटा निकाल दो इस तरीके से काफी सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो इसमें कि मे का मुझे क्या है इसमें आप ये भी अरेंज कर सकते हो कि आ, हर मंथ में मैक्सिमम कौन है या फिर ऐसा कौन है बच्चा जो मैक्सिमम मंथ में मैक्सिमम अटेंडेंस है जिसकी तो इस तरीके से बहुत सारे ऑपरेशन आप इस डेटा पे परफॉर्म कर सकते हो इस टाइप के डेटा को मैं कहता हूं स्ट्रक्चर्ड डेटा इसके well क्या है, है कि इसी तरीके से डेटा इसमें फिल किया जाएगा ठीक है तो इसी तरीके से इसको मैं क्या कहता हूं, इसको मैं हूं? Hand, क्या है तो भाई ये आपका अनस्ट्रक्चर डेटा है क्यों अनस्ट्रक्चर डेटा ये सपोज आपकी रिपोर्ट कार्ड बनाया गया ठीक so ये ये है इसको मैं कहूंगा अनस्ट्रक्टर डेटा बिकॉज इसमें कुछ भी एक प्रीडिफाइंड फॉर्मेट नहीं है ठीक है कि यहीं पे सपोज आपका रिजल्ट आना चाहिए ठीक है या फिर यहां पे सिर्फ कुछ एक टेबल फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो इससे कुछ क्या कहते के हैं एक आउटकम डिराइव कर सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है ठीक है तो इस टाइप के डेटा को मैं कहता हूं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि यहां पे मैंने लोगो लिख दिया स्कूल का नाम लिख दिया अब कोई भी बच्चे का नाम लिख दिया उसका रोल नंबर लिख दिया क्लास लिख दी टोटल

जुलाई है सपोज क्लास सपोज इलेवेंथ है अटेंडेंस सपोज नाइनटी एट है तो इस तरीके से जब आप टैक्स यूज कर रहे हो कि भाई इस बच्चे की इस महीने की इस क्लास की ये अटेंडेंस है वेल ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में नहीं है ठीक है बट इसमें टैग्स एग्जिस्ट करते हैं कुछ लिंकिंग या मार्किंग पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के लिए तो इसी टाइप के डेटा को मैं कहता हूं भाई अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ठीक है आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि वट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा तो ये था भाई पूरा एग्जाम्पल किसका अब सेम है अटेंडेंस का एग्जाम्पल यह अनस्ट्रक्चर सही ये हो गया सेमी स्ट्रक्चर डेटा ये हो गया अनस्ट्रक्चर डेटा सेम रिजल्ट का अटेंडेंस की बात कर रहा हूं और ये हो गया आपका स्ट्रक्चर डेटा ठीक है आई होप ये तीनों आपको समझ में आओगे स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड ठीक है सो आई होप यहां तक आपको डेटा का बेसिक समझ में आ गया होगा कि भाई डेटा क्या होता है ठीक है हम कैसे डेटा को लेते हैं एक्चुअली हम करते क्या भाई डेटा को प्रोसेसिंग के तो काम करते हैं तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इस डेटा की नॉलेज होना बहुत जरूरी है आगे जाके आप पढ़ोगे डीबीएमएस एज वेल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेटा को मैनेज कैसे करें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रीज, रीजन क्या कि फाइनली आप कंप्यूटर से करवा के आए हो डेटा की प्रोसेसिंग तो करवा रहे हो तो इस डेटा पे नॉलेज होना बहुत जरूरी है ना तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा पे नॉलेज होना तो वो बेसिक जो आइडिया है वो आपको पड़ गया होगा है ना कुछ टर्म्स है जिनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है उसका समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस होता है उनमें ठीक है क्लियर कट आइडिया पड़ गया होगा फिर कितने टाइप के डेटा होते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा ठीक है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया कि, कि किस तरीके से कितने टाइप्स के डेटा होते हैं और क्या क्या उनमें डिफरेंस होता है ठीक है अब डेटा भी बहुत तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो फिलहाल जो आपके सिलेबस में है वो हमने देखा ठीक है तो ये था वीडियो ऑन बेसिक्स ऑफ डेटा डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें चीजें पता चली ठीक है अब अभी एक और नेक्स्ट वीडियो बची हुई है जिसमें मैं आपके ऑपरेशन ऑन डेटा कवर करूंगा मतलब डेटा पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो क्या क्या ऑपरेशन है वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ठीक है सो सी यू गाइज देयर उसमें हम देखेंगे कि इन डेटा के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है तो गाइज अगर आपको ये सब कंटेंट अच्छा लग रहा है हमारी मेहनत अच्छी लग रही है ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है ये वीडियो अच्छी लगी सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट मैगनेट के साथ जुड़े रही बिकॉज़ हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ हैं सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे से इसी तरीके से बने रहेंगे राइट right? मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच